बहुत एकांत में पंचायत चल रही है भैया, काहे प्लानिंग लग रही है आशीष नेहरा। अब धोनी के खिलाफ किसी साजिश किसी प्लानिंग नहीं चलती है। जो भी टीम सामने आएगी चेन्नई से टकराएगी, वो छार छार हो जाएगी। अब हमारा ये अंतिम आईपीएल है भैया, किसी भी तरह से हम चेन्नई को चैंपियन बनवा के जाएंगे। सभी टीमों ने बहुत बड़े सपने देख लिए थे जैसे ही हमने कप्तानी छोड़ी। सब सोच रहे थे अब क्या, धोनी तो गया, नया अंडा है तो आज जाके पेल देंगे। अबे अभी धोनी सिर्फ कप्तानी छोड़ी है, टीम नहीं छोड़ी समझे। ऐसे ही बिल्ली बनाते रहेंगे सामने वाली टीमों को। बे जाओ बे, तुमने तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है समझे। मान लिया हमारी एक टीम मैच हार भी गई, लेकिन तुमको पता नहीं पहला ही मैच हमारी टीम जीत के बैठी है। अरे भैया प्लानिंग चल रही है अगले मैच के, अगला मैच कैसे जीता जाए। अरे एक मैच हार गए तो फिर पूरा आईपीएल थोड़ी हार गए हैं। ऐसे पहला मैच आरसीबी भी हारी है। अरे धोनी भाई ये बताओ तुम कब तक और खेलोगे आईपीएल। अरे भैया जब तक तुम हो चेन्नई की टीम, चेन्नई को हराना बहुत मुश्किल है। सामने वाली टीमें इसलिए प्लानिंग करके जाती है, लेकिन भैया इनके सामने किसी की नहीं चलती है। इतने दिमागी इंसान है कि दूसरी हर टीम हार मान जाती है। अब कल देख लो सच्चा आशीष, सेंचुरी के मैच में 200 सुपर टारगेट ठुकवा दिया, जबकि खुद मैदान में नहीं आए। अगर खुद आ जाते कहो तो 250 पहुंच जाता। अरे फौलादी बना देंगे अपनी टीम को, इतना खतरनाक बना देंगे कि अगर धोनी चेन्नई में रहे भी ना, फिर भी दमखम रहे चेन्नई का, सामने वाली टीमें डरे हमारी टीम से। अब दो मैच हमने जीत लिए, ऐसे करके धीरे धीरे अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएंगे। अब पिछले साल देखे फाइनल हमारी टीम जीती थी, और इस बार देखते भैया कौन हमारी टीम से टक्कर लेता है। अभी तो दो टीमें आई थी आरसीबी और एक भाई साहब आपकी थी आशीष, दोनों हमने पेल पाल के छुट्टी कर दी। ए जाओ तुम यहाँ से, ठीक है हमारा विचार विमर्श चल रहा है, अब सोच रहे आगे कैसे मैच जीते जाए। पूरी रात हो गई नींद नहीं आई, कल की होली पता नहीं किधर से निकल गई। चूल भैया मैच हारने की टेंशन थी, देख लो हमारी आंखें काली हुई पड़ी, पूरी रात हो गई जगते जगते। अब तुम यहाँ से निकलो भैया, हमको प्लानिंग कर ले दो, कम से कम कहीं तो अकेला एकांत में बैठने दोगे या नहीं।